नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। धार की युवा अभिभावक अंकित शर्मा के सुसाइड मामले में दोषी न्यायालय की महिला कर्मचारी आशी जैन को तत्काल गिरफ्तार करने और घटना की न्यायिक जांच करने की मांग को लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर ब्राह्मण समाज के सैकड़ों सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। सर्व ब्राह्मण समाज के जिला संयोजक डॉक्टर अशोक शास्त्री ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यदि पुलिस अपराधी युवती आशी जैन की कॉल डिटेल खंगाल ले तो कई चौंकाने वाले तथ्य जनता के सामने आ जाएंगे। यदि युवती बाहर स्वच्छंद घूमती रही तो समाज के लिए वह बड़ा घातक हो सकता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह कहीं भी किसी भी युवकों को अपना शिकार बना सकती है। ज्ञापन का वाचन प्रवीण शर्मा एडवोकेट ने किया। सर्व ब्राह्मण समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष धर्मेंद्र जोशी ने SP आदित्य प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन प्रवीण शर्मा ने किया। यह कि संपूर्ण प्रकरण की ब्राह्मण समाज न्यायिक जांच की मांग करता है, जो कि जायज है, तभी सत्यता सामने आ पाएगी। अतः जरिए ज्ञापन सर्व ब्राह्मण समाज धार श्रीमान से मांग करता है कि कथित आरोपी आशीष जैन। सर्व ब्राह्मण समाज धार ने न्यायिक जांच को लेकर SP को एक ज्ञापन सौंपा है और जिसमें मांग की गई है कि हमारे युवा साथी अंकित शर्मा के साथ जो दुर्घटना हुई है उसकी न्यायिक जांच करी जाए और सभी समाजजनों ने उनसे अपील करी है कि ऐसी लड़की के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि अन्य लोग उसके परिणाम भोगना ना पड़े और ऐसी लड़की को न्याय विभाग में रहना भी नहीं चाहिए। आज सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में जिला पुलिस अधीक्षक को हमारा युवा अभिभाषक, हमारे सर्व ब्राह्मण समाज का एक्टिव कार्यकर्ता, कार्य समिति का सदस्य अंकित शर्मा ने जो सुसाइड किया है उस संदर्भ में जिस लड़की ने उसको एक प्रकार से हनी ट्रैप का मामला हुआ है, ब्लैकमेलिंग के उसने शादी के झांसा दिया, उसके साथ में सारे आर्थिक पैसे उससे बहुत वसूले। उस बच्चे ने उसके भावुकता में आके और उसने जो उसके जो ठुकराने के कारण उसने जो सुसाइड किया है उसी कारण से आज हमने ब्राह्मण समाज की ओर से ज्ञापन दिया। और जो जानकारी भी इस प्रकार से मिली है उसने बताया था उसने मरने के पहले कि मैंने उसको लाखों रुपये दिए हैं, उसके पास बुलेट गाड़ी थी, बुलेट गाड़ी बेच के उसको कार खरीद के दी है। इसके अलावा सुनने में आया कई वकील भी उस समय, कई युवा वकील भी है, कई लोग हैं, कई संभ्रांत लोग हैं इसके चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित ही धार में और कोई बड़ा कांड हो सकता है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर अशोक शास्त्री, संयोजक सर्व ब्राह्मण समाज धार। इसके लिए धर्मन की भी खबर समय जगत के लिए धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.